अड्डे तक कोई टेरर एक्ट होया ही नहीं गया। हाउ कैन यू इम्पोज यूआपा, हाउ कैन यू इम्पोज नैशनल सिक्योरिटी एक्ट। मैं जाती तौर पर यह काले कानून के सख्त खिलाफ है। साडे साबक मंत्री कपिल सिब्बल और एमपी 2019 च पार्लियामेंट च उन्हों का जो युवापा बीजेपी दोबारा इंट्रोड्यूस कर रही थी टाडा नू तोड़ के, उन्होंने इसका सख्त विरोध किया। जहां भाव के कांग्रेस पार्टी इन्हों काले कानूनों के सख्त खिलाफ है, क्योंकि यदा अज तक उपयोग कर रहे हैं, कल अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, आम बंदियों के खिलाफ, एक्टिविस्टों के खिलाफ, ह्यूमन राइटा के खिलाफ इस दुरुपयोग होगा। इसलिए एक तो यह गल कि सजा जरूर दो, अगर किसी ने अजनाले के थाने के उत्ते हमला किया, भनतोड़ की, या तुहाडे को संविधान दीआं धारावां ने, अगर कोई खालिस्तान की वक्खवाद की गल करा तो तुहाडे कोल सिसेशन दीआं 153 ए समेत बहुत सारिया धारावां ने, उहदे ते बुक करो। पर पंजाब दे विचों चक चक के लोगों नूं असाम दे विच लै जाणा, यह सरासर भगवंत मान का कंप्लीट सरेंडर है। उसने छड्ड दिता सारा कुछ कि तुसीं जो करना करो, यह तुहानूं असीं स्टेट सौंप दित्ती। लॉरेंस बिश्नोई, मैं पूछना चाहना भगवंत सिंह मान नूं, जिहनूं नामजद किया होया कि सब तो वड्डा टेरर मॉड्यूल है, यह क्राइम सिंडीकेट का बादशाह है, जिहदे ते 10, 12, 8, 9, 10 मर्डर केसिस ने, वह जेलां चो बैठा इंटरव्यू दे रहा, उहदे एक लफ्ज नहीं बोलिया पंजाब सरकार ने अज तक, एक लफ्ज। कोई FIR नहीं, कोई युआपा नहीं, कोई NSA नहीं, एडा भारी वितकरा यारो। और मैनूं दुख इस गल दा हो कि नैरेटिव सैट किया जा रहा नैशनल टैलीविजन वालों, सारे देश दे चैनल अखबारां लगियां होईयां ने कि बस पंजाब जिहड़ा वा बस हुण बिल्कुल एक एज ते पहुंच गया, पंजाब दे हालात बहुत बिगड़ गए। पंजाब दा हालात कित्थे बिगड़िया? अज भी जे सारे देश विच जे कम्यूनल फैब्रिक जे किसी स्टेट का सब तो ज्यादा इंटैक्ट है, तो वह साढ़े गुरु नानक साहब का जिहड़ा दिते हुए सानू उपदेश है, पंजाब का इंटैक्ट है। ये जाण बुझ के 2024 दीआं चोणां नूं मद्देनजर रख के पंजाब का इस्तेमाल करके देशों विदेशों में लोगों को भड़का के उहदा रिएक्शन इत्थे चाहुंदे ने। तो दोबारा फिर एक बार जिदा पहला किसे वेले होया सीगा, भारत दीआं चोणां बीजेपी जितना चाहुंदी, उहदे विच भगवंत मान ते केजरीवाल उहनां दा मोहरा बणे ने। यह हैगी है दोस्तों असल सच्चाई। और मैं पुछना चाहुंदा, और मैं अपील करना चाहुंदा अपने देशों विदेशों च बैठे सिख भरावां नूं खास तौर ते, ठीक है, तुहाडे जज्बात हन, तुहानूं दुख लग रहा जो कुछ पंजाब दे विच, एक अनऐलानी एमरजेंसी है, पुलिस स्टेट बन चुकी आ, पुलिस का राज हो चुका, पर तुसी उत्थे कृपा करके शांतमई ढंग दे नाल प्रोटेस्ट करो, जाओ जरूर पीसफुल डेमोस्ट्रेशन। जिहड़े साडे पंजाब दे किसानां ने आपां नूं सिखाया ना, एक साल बैठे दिल्ली दी बरूआं ते, किसी ने एक माड़ा मोटा भी कोई पीस नहीं डिस्टर्ब किया। कुल मिला के अपनी गल कहो, शांतमई ढंग दे नाल कहो। मैनूं पूर्ण आस है कि यह जिहड़ियां शक्तियां ने, जिहड़ियां एंटी पंजाब और सिखां नूं बदनाम करन वालियां, मेरे वर्गे बंदे नूं ट्विटर हैंडल दे उत्ते नफरत नाल लिखी जांदे ने जी ये एंटी नैशनल है, मैं इलेक्टेड आदमी हाँ, मैं एक गल वाजब पंजाब दी करदा, एक हेट कैंपेन चल रहा पंजाब पंजाबियों के खिलाफ और सिखां दे खिलाफ विशेष तौर पर। भुल गए ने वो लोग कि सिखां ने इस देश सब तो वड्डी कुरबानी, जदों हले देश अंग्रेजा का हले विरोध भी नहीं कर रहा सीगा, पंजाब की धरती तो गदरी बाबे, कूका लहर, बब्बर अकाली, जिन्होंने अंग्रेजा का डट के विरोध किया, और सब तो ज्यादा फांसियां पंजाबियों ने दित्तियां, सिखां ने दित्तियां, सब तो ज्यादा काले पानी के शिकार पंजाबी ते सिख होए। अज साडी इंटेग्रिटी के उत्ते सवाल खड़े कर रहे हैं नैशनल मीडिया चैनल ते, सारा नूं बदनाम कर रहे। असल कहानी मेरे सत्कारयोग वीरो भाओ भैणो, यह सारा नैरेटिव 2024 दीआं लोकसभा चोणां नूं मद्देनजर रख के किया गया वा। जिहड़ी पुलिस फोर्स 80,000 होके एक आदमी नूं नहीं फड़ सकी, कि भगवंत मान किसी पुलिस के ऑफिसर के उत्ते अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेगा, किसी की जिम्मेवारी ठहराएगा, कि सिर्फ एक फिल्म चलाई जा रही है। और भगवंत मान ने जिहड़ा उस दिन तकरीर पढ़ी आ 4-5 दिन की चुप्पी तो बाद, इट वॉज अ स्क्रिप्टेड तकरीर, वो टैलीप्रोमटर के उत्ते लिखा आ रहा है हिंदी के, उही भगवंत मान, भगवंत मान अज दिल्ली का गुलाम हो चुका जी।